हाय बच्चों कैसे हैं आप सब लोग गाइस हाउ आर यू ऑल डूइंग वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू वेदांत नीट मेडिजी चैनल आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक फ्रॉम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक का नाम क्या है बच्चों हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर आर्क एंड रिंग है ना तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग करने वाले हैं आई होप आपने पुरानी क्लास रिवाइज करी है जिसमें हमने बात करी थी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तो उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था फॉर अ फाइनाइट वायर फॉर इनफाइनाइट वायर फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर और उस पर हमने न्यूमेरिकल्स न्यूमैरिकल तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कहानी मैग्नेटिक फील्ड की एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सो देखो सेंटर ऑफ अ करेंट कैरिंग आर्क यू शुड से राइट तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बच्चों सबसे पहला केस तो आपने इन वायर का देखा था फाइनाइट वायर या फिर इनफाइनाइट वायर या फिर सेमी इनफाइनाइट वायर राइट सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन तो वहां पे एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं इन केस ऑफ इनफाइनाइट वायर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट तो क्या फॉर्मूला आता था एट एनी डिस्टेंस डी द मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई डी राइट ये इसका फॉर्मूला था सेमी इनफाइनाइट के बीटा दो एंगल्स होते थे राइट इफ यू नो दू विलू कैलट द मैग्नेटिक फील देयर तो वो तो वायर का केस हो गया नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्क सर्क्यूलर आर्क तो इफ यू हैव अर्क्यूलर आर्क लाइक दिस यू हैव अर्क्यूलर आर्क लाइक दिस राइट

आर्क एट द सेंटर है ना अब देखो जो बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी सेमी सर्क्यूलर आर्क करेक्ट इट कैन बी सेमी सर्क्यूलर आर्क अब इमेजिन करो इफ इट इज सेमी सर्क्यूलर आर्क इट विल लुक समिसमी सर्क्यूलर आर्क विल सबेंड हाउ मच एंगल बचू एट देंटर एक बार मुझे बताइए आप लोग चैट बॉक्स में कमॉन कमॉन गी एक्टिव इन दैट बॉक्स वेन आम आस्किंग दिस बताइए कितना एंगल सबटेंड करेगा ये 90 डिग्री सबटेंड करेगा ना डेफिनेटली 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा तो हामद शलाई राइट हियर शला राइट 90 नहीं हम लिखेंगे पाई बाई टू सो एंगल हैज टू बी केप्ट इन रेडियंस तो सभी को पता है ना 90 डिग्री यानी कि पाई बाई टू रेडियन होता है तो पाई बाई टू रेडियन रख दो वहां पे यू विल गेट द आंसर सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर पाई आर इन टू पाई बाई टू

और 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन 180 डिग्री मींस पाई रेडियन इफ इट इज पाई रेडियन देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू पाई तो पाई एंड पाई कैंसिल इन दिस केस आंसर विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर आर करेक्ट दैट विल बी योर आंसर समझ आ रहा है, ना? है ना इजी है अब बताओ इफ इट इज कंप्लीट सर्क्यूलर रिंग अगर ये कंप्लीट सर्कल हो गया देन हाउ मच विल बी द एंगल लेट अस फिनिश एवरीथिंग हियर ओनली राइट इफ इट इज कंप्लीट सर्कल एंड आई वांट एट द सेंटर हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड देन हाउ मच विल बी द एंगल 360 डिग्री पूरा सर्कल है 360 डिग्री हो जाएगा और 360 डिग्री का मतलब होता है बच्चों टू पाई रेडियन थ्री सिक्सटी डिग्री मीन टू पाई रेडियन तो पुट टू पाई इन द दुला नाउ So, you will be writing mu naught i divided by 4 pi r into 2 pi. So, pi or pi cancel, correct? 2 and 2 cancel. Your answer will be mu naught i divided by 2 r. I don't recommend you to remember the formula for semicircular arc differently, quarter circle and uh, like complete circle. You just remember the general formula, this one, right? So, mu naught i by 4 pi r into theta. ठीक है समझ में आ गया सभी को फील आ गया सभी को तो एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स में सिंपल फॉर्मूला है बच्चों एनी एंगल इफ इट इज गिवन फॉर आर्क यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट है ना स्वैग स्वेक्सल्यूट चाहिए इसमें समझने को है क्या सर है ना इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला बताया है आपने फॉर्मुला बताया है फॉर्मुले में वैल्यू रखनी है और आंसर पाना है ठीक है इसका प्रैक्टिस करेंगे और वी विल प्रैक्टिस मोर डोंट वरी अबाउट दिस राइट अच्छा एक और चीज बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऑसम गाइस ऑसम ग्रेट अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही मैग्नीट्यूड तो आप यहां से निकाल लोगे डायरेक्शन भी तो होगा करेक्ट उसका डायरेक्शन भी होगा तो डायरेक्शन देखते हैं आप कैसे निकालते हैं राइट right? हमने पिछले क्लास में देखा था कि आप डायरेक्शन वायर के लिए कैसे निकालते हो स्ट्रेट वायर है मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है

यहां पे उल्टा है यहां पे आप कर्ल करोगे करंट के डायरेक्शन में थंब आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डरो मत बहुत आसान है यहां पे आप क्या करते थे थंब के डायरेक्शन में करंट कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में और थंब आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड तो अगर करंट ऐसे है देखो लेट्स ए क्लॉकवाइज करंट इज फ्लोइंग राइट तो यू नीड टू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो थंब किधर है बच्चों इनटू द प्लेन इन टू द प्लेन यानी कि माइनस जेड एक्सिस तो उसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो राइट इन टू द प्लेन मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर करंट क्लॉक है तो इन टू द्लेन हो गया अगर मैंने करंट ऐसे ले लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा बच्चों आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा है ना इन दैट केस डॉट डॉट यानी कि आउट ऑफ द प्लेन क्रॉस यानी कि इनटू द प्लेन ठीक है सो क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन हो गया एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन हो गया तो नोइंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट यू कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस राइट हैंड रूल ठीक है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है सिंपल था क्या बहुत है ना चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं बच्चों सर्कुलर लूप का मैंने फॉर्मुला आपको ऑलरेडी बता दिया म्यूनोट आई बाई टू पाई आई मीन टू आर कैसे प्रूव किया था सर ने इसको मैंने बोला था देखो ये फॉर्मुला होगा म्यूनोट आई डिवाइडेड बाई फोर पाई आर इन थीटा थीटा के जगह पे हमने क्या लिखा था क्योंकि ये पूरा का पूरा का सर्कल है टू पाई रेडियन इज द एंगल तो यहां पे मैंने थीटा हटाया पाई, पाई 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 लिखा कैंसिल कैंसिल आंसर आ गया रेडियर ठीक है ये सर्कुलर लूप हो गया चलिए तो अब आपको कोई भी एंगल गिवन होगा अगर तो आप सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे ये सारी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ रही है बच्चों सेंटर पे आ रही है याद रखना राइट लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि मुझे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए मुझे तो एक्सिस पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड है ना अब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा देखो ध्यान से सो so, ऐसा एक टॉपिक हमने बच्चों देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड तो देखो ये एक एक्सिस है ये है ना ये एक रिंग है इसमें मान लो कुछ तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ठीक है सो दिस इज अ रिंग केप्ट लाइक दिस यहां पे ऐसे रखा देख लो ऐसे एक्सेस है मैग्नेटिक फील एट दैट पॉइंट पी तो उसका फॉर्मुला होता है मैग्नेटिक फील एट दैट पॉइंट इज गिवेन बाई म्यूनोट आई इंटू आर स्क्वायर ठीक है म्यूनोट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स

तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग होता है ठीक है इसका डेरिवेशन तो हम आज नहीं कर रहे हैं बट आई हैव द प्लान कि मैं एक दिन आपको डेराइव कराऊंगा क्योंकि ये बोर्ड्स में आपसे पूछा जाता है दिस का डेरिवेशन जो है ना वो सीबीएसई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको ठीक है बच्चों लेकिन फॉर्मुला अभी आप याद रखिए ठीक अच्छा देखो अगर एक्स में डिस्टेंस एक्स है तो यहां पे पॉइंट आ गया अगर मुझे सेंटर पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अगर चाहिए मुझे इसके मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितना लूंगा मैं जीरो करेक्ट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो सेंटर के लिए तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो रख दे यहां पे तो देखो आंसर क्या आएगा ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड इज मूनॉट आई इन टू आर स्कवायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अभी एक्स तो जीरो हो चुका है तो आपके पास सिर्फ क्या बचा है आप लिखोगे तो क्या बचेगा आर क्यूब बचेगा ये टू और ये टू तो कैंसिल हो जाएंगे तो आप लिखेंगे आर क्यूब आर क्यूब को आर स्कवाई बाई टू आर जो कि हम पहले भी देख चुके हैं पिछली स्लाइड में राइट टू आर होती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग तो देखो वही चीज वेरीफाई हो गया समझो इस चीज को तो दोनों फॉर्मुले से आपको सेम चीज ही तो देखने को मिल रही है है ना म्यूनाटाई डिवाइडेड बाई टू आर था यहां पे भी म्यूनाटाई बाई टू आर हो गया फील आ रही है क्या सभी को कैसे फॉर्मले यूज करने होते हैं हो, कैसे निकालना होता है रिजल्ट है ना चलो मजा आ रहा है अगर सेशन में तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक like कर देना वीडियो को राइट बच्चों चलिए अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत सारी लर्निंग होगी आप सभी की ठीक है तो ये तो सारे फॉर्मले हो गए डेरिवेशन की बात बाद में करेंगे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना ये बिल्कुल मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है क्या क्लास टेंथ में आपने सीखा होगा ना एक बार मैग्नेट ले, ले लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ बनता है यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग की वजह से बन रही है ये देखो ये आपकी रिंग है दिख रहा है ये रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे तो रिंग सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ऐसी ठीक है और रिंग के लिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आप ऐसे है ना कर्ल करो फिंगर्स को तो ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप देखोगे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ही तो है ये यह देखो यहां पे आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ही तो आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड तो ये ऐसे घूम घूम के होती है राइट इन द लूप मैग्नेटिक फील्ड का है है? है? ठीक ठीक आइए अब कुछ questions करते हैं, सब लोग इसको करो, मुझे आंसर बताओ। I will, uh, टाइप, हाँ, आप कह सकते हैं सोलेनॉइड का भी ऐसा ही बनेगा एक्चुअली uh, सिमिलर ही होगा आप देखोगे वो बहुत जल्द ओके okay, बच्चों, देखो यहां से एक वायर है स्ट्रेट वायर है ना एंड फिर यहां से आर्क हो गया सर्कुलर आर्क माई बैड मैंने गलती से स्लाइड चेंज कर दिया पहले आप देखो एक वायर है फिर वही एक सर्कुलर आर्क बन जाता है और फिर से वो एक वायर बन जाता है इधर चला जाता है और एंगल है बच्चों थीटा ओके तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का कमान आ, कुछ लोग बी कह रहे हैं आरजूत सिंह बी सौम्य सिंह ए सौम्य रंजन सिंह ए अनिल ए पद्माशिन शिन ए विनीता ए, ओके, बहुत सारे बच्चों ने ए बोला है ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों देखो सबसे पहले तो ऐसे देखो ये एक आर्क है ना ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये एक आर्क है करेक्ट आर्क का रेडियस है ए और ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा

इसका क्या आंसर है बच्चों वायर को इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि ये पॉइंट ओ जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो वायर की एक्सिस पे है देखो वायर की एक्सिस पे है वो पॉइंट और लास्ट क्लास में मैंने आप सबको सिखाया था कि किसी भी प्लेन वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है तो इसलिए इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि ये इसी की एक्सिस पे है राइट right? तो जब वायर के एक्सेस पे कोई पॉइंट पाया जाता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है यार फील आई क्या सभी को बताओ कई लोगों ने आंसर सही दिया है मैं मानता हूं लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिया है क्योंकि वायर में भी तो करंट फ्लो हो रहा है ना तो उसकी क्या गलती है उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिया क्योंकि उसके एक्सिस पे पॉइंट ओ रखा हुआ है और किसी भी वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बच्चों आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं ठीक है आ जाओ ओके सो सुरेखा सेइंग डी अभी ग्रेवाल इज डी साई इज बी सारे आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं आ, हेमलता से सी वैष्णवी से डी सौम्या रंजन से डी यानी कि ये वाला ऑप्शन ओके बहुत बढ़िया चलो मैं आपको थोड़ा सा झटका लगेगा इसमें आस्था इज सेइंग ए बच्चों करेक्ट आंसर ए है करेक्ट आंसर क्या है ए है यानी कि जीरो ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन है समझना ध्यान से मैं आपको फील कराता हूं यह क्वेश्चन ठीक है ए इज़ so, आई अमाउंट ऑफ करंट अंदर जाता है सर्किट के ठीक है ये देखो यहां से मैंने आई अमाउंट ऑफ करंट इसको ड्रॉप किया जब ये करंट यहां पे पहुंचेगा ना जब यहां पे पहुंचेगा उसके पास दो ऑप्शंस है तो इसमें से कुछ करंट इधर चला जाएगा और इसमें से कुछ करंट इधर चला जाएगा ठीक इस वाले करंट को मैं आई वन कहता हूं इस वाले करंट को मैं आई टू कहता हूं आप लोग थोड़ा मुझे सोच के बताओ सब लोग थोड़ा सोचो कि कौन सा करंट ज्यादा होगा और कौन सा करंट कम होगा विच करंट विल बी मोर विच करंट विल बी लेस तो देखो ये आई वन ऐसे फ्लो करके फिर इस पॉइंट पे आप देखोगे तो यहां से आई वन और यहां से आई टू आ रहा है

अगर आप देखोगे इस वायर की लेंथ ज्यादा है बच्चों इस वायर की लेंथ ज्यादा है ये जो यहां से शुरू होकर यहां तक आ रहा है उसकी लेंथ ज्यादा है और इस वाले की लेंथ कम है और जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है रेजिस्टेंस का जो होता है ये रेडियस नहीं है ठीक है ये रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मुला होता है बच्चों रो एल डिवाइडेड बाई एरिया यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है मटेरियल ऑफ वायर सेम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिसकी लेंथ ज्यादा है करेक्ट तो किसकी लेंथ ज्यादा है यहां पे? इसकी लेंथ ज्यादा है क्या ये वाली लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाली लेंथ ये डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो देखो ये वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है उसके बाद आप बोलेंगे एक रजिस्टर इस तरफ है ठीक है और एक रजिस्टर आपका इस तरफ है ये R1 है और ये R2 है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि R1 की वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी समझ आ रहा है ना अच्छा अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से फील कराता हूं डोंट वरी तो रेजिस्टेंस इज प्रपोर्शनल और चीज ध्यान से सोचना कि क्या लेंथ इज प्रपोर्शनल टू थीटा क्या लेंथ एंगल सब्टेंडेड के प्रपोर्शनल होता है क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन बाय आर इंटू थीटा पढ़ा होगा ना आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा यानी कि जितना ज्यादा एंगल एंगलेंड करेगा वो आर्क उतनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी ये एंगल अगर आप देखोगे बच्चों तो ये टू पाई माइनस थीटा है ठीक है ये पाई माइनस थीटा है चलिए अब हम एक बार एक काम करते हैं दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं ठीक है ठीके? ये पहला वाला जो आर्क है बच्चों इसका करंट जा रहा है क्लॉकवाइज कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज और कितना करंट है उसमें आईवन तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बी वन इसका फॉर्मुला होगा म्यूनोट आई वन डिवाइडेड बाय फोर पाई इन रेडियस अब ये आर रेडियस है कंफ्यूज मत होना ये आर मैंने रेजिस्टेंस के लिए लिखा था उसको भूल जाओ एक बार म्यूनोट आई वन अपन फोर पाई रेडियस इंटू थीटा बेटा कितना एंगल सबटेंड किया उसने सेंटर पे टू पाई माइनस थीटा देख रहा है ये आर्क ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है टू पाई माइनस थीटा तो मैं लिखूंगा यहां पे टू पाई माइनस थीटा और अगर एंगल की बात की जाए मतलब डायरेक्शन की बात की जाए तो ये इनटू द प्लेन होगा सबको समझ में आ रहा है क्या क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन होगा यानी कि आप इनटू द प्लेन लिख दीजिए बहुत बढ़िया अब बात करते हैं बी टू की बी टू यानी कि इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया सबसे पहले तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा क्लॉकवाइज था तो इनटू द प्लेन आया एंटी क्लॉकवाइज है आउट ऑफ प्लेन आएगा तो मैं पहले ही direction लिख देता हूं, out of the plane. और होगा बच्चों इसका है है ना ठीक अब आपको ये प्रूव करना है कुछ भी करके कि यह दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए देखो कैसे प्रूव होगा मैं आपको बताता हूं ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों अगर इस पॉइंट की बात की जाए है ना तो इस पॉइंट से एक करंट इधर जा रहा है एक करंट इधर जा रहा है और मुझे ये पता है कि करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अब यह क्या बोल दिया सर ने क्या करंट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस सही है क्या देखो वी इक्वल टू आई आर होता है ना बच्चों वी इक्वल टू क्या होता है आई आर तो आई क्या होगा वी अपॉन आर पोटेंशियल तो दोनों में सेम है पैरल में कनेक्टेड है दोनों तो पोटेंशियल सेम रखेंगे तो करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस अच्छा और रेडियस जो है, 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 है. है, है. यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये जो रेजिस्टेंस है उसके जगह पे मैं लेंथ लिख लेता हूं वो मेरे काम का है लेंथ ठीक है

रेजिस्टेंस को मैंने लेंथ लिख दिया क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अब लेंथ को मैंने बाद में थीटा लिख दिया क्योंकि फाइनली तो थीटा ही पता है ना मुझे तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा तो यहां पे थीटा आ गया अब आप देखोगे कि i1 यानी कि ये वाला करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 2 पाई थीटा करेक्ट और i2 यानी कि ये वाला करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 थीटा फील आया

Theta, अब देखो, बिल्कुल सेम है. कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जीरो हो जाएगा समझ आ रहा है अमेजिंग क्वेश्चन है बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में समझ आया आपको सबसे पहली बात ये याद रखना कि दोनों में करंट सेम नहीं होगा करंट का डिवीज़न करना पड़ जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि जिधर लेंथ ज्यादा है उधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और उधर करंट कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम करेक्ट फिर आप बोलेंगे कि ये इक्वेशन है भाई बी इक्वल टू आई आर तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस Is to अगर है, पूरे वायर के लिए अगर एरिया तो तो सबको समझ में आया तो एक बार स्वैक सल्यूट दे दो यार Come on. Come on, अगर समझ में आए तो जल्दी से आई नीड ए स्वैक सल्यूट फिर हम आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट yes, क्वेश्चन है यह राइट एवरी वन क्लियर है सभी को चलिए बहुत बढ़िया तो आगे बढ़ते हैं जीरो इज द करेक्ट आंसर राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाओ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ ठीक है तो आपको ऑलरेडी शेप दिख रहा है इसका शेप कुछ ऐसा है यहां से शुरू करके इट गोज लाइक दिस सेम वायर ओनली राइट ये लो ये शेप है वायर का ये तो बस डॉटेड लाइन है राइट दीज आर जस्ट डॉटेड लाइन कुछ भी नहीं है वो येस गोवर्धन सफिशियंट फॉर जेई एज वेल येस डेफिनेटली यस एवरी वन तो बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं सर इट इज नॉट अ सेम वायर ना सर नहीं नहीं सेम वायर इट इज सेम वायर बेंडेड इन दिस फॉर्म दैट्स इट है ना सो so, वैष्णवी से सी प्रियांशु से सी आलोक से बी ऋतु ए रश्मि ए सौम्य रंजन सेज बी अच्छा चलो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है ना फुल डेमोक्रेसी है क्लास में देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा डी क्या होगा करेक्ट आंसर इसका इसका करेक्ट आंसर होगा डी चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ कम लोगों ने ही आंसर दिया है right? राइट बहुत कम लोगों ने आंसर दिया बच्चों दीज आर नॉट वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बट हां स्लोली यू विल डेवलप इट आपसे होने लग जाएंगे ये सब क्वेश्चंस है ना बट दे आर द एक्चुअल क्वेश्चंस कैन लाइक अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशन सेम लेवल का है नीट और जय मेंस ओके तो देखो यार सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं देखो टू आर्क्स आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सॉर्ट आउट दिस पार्ट ये देखो ये एक प्लेन वायर है राइट दिस इज अ प्लेन वायर ऑफ सम लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट वेर यू वॉन्ट द मैग्नेटिक फील्ड यू विल सी दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लेन वायर सही कह रहा हूं ऑफ द प्लेन वायर पे है वो तो वॉट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड टू दिस जीरो सेम गोज विध दिस प्लेन वायर एज वेल इसकी भी एक्सिस पे है ये पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस जीरो अब तो खत्म हो गया ना प्लेन वायर इज गॉन अब सिर्फ दो आर्क बचे हैं एक ये वाला आर्क है ठीक है

है ना इनटू द प्लेन होगा एंड हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड नाउ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 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 थीटा थीटा विल बी पाई 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 2 2 है ना? है ना सेमी सर्कुलर तो तो ये pi और कैंसिल तो हो जाएंगे आपको आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8 आर इनटू द प्लेन इसका मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बहुत बढ़िया दिस इसका जॉब इज डन लीव इट नाउ कम टू दिस वन

एवरी okay, वन तो ऐसे सॉल्व करते हैं आप मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन बताइए कैसा लग रहा है मजा आ रहा है बच्चों मैग्नेटिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसमें से डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सेंटर ऑफ द रिंग सेंटर ऑफ द आर्क लाइक दिस है ना एनी क्वेश्चन कैन बी आस्ट सो प्रैक्टिस कर लेना इसकी बहुत अच्छे से ओके सो चलिए फील आ गई चलिए बहुत बढ़िया बच्चों सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन हमने रिंग फिनिश कर लिया है आज इसका डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक मेंटी की क्लास होने वाली है जहां पे मैं आपको पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे स्ट्रेट वायर से उसमें क्वेश्चन होंगे आर्क से रिंग से है ना और सर्क्युलर लूप से एवरीवेयर ठीक है गाइस तो बच्चों सबसे पहले तो यार प्रो सब्सक्रिप्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट यूजी प्रिपरेशन गाइस टू हैव अ वेरी सॉलिड प्लान उस प्लान का पार्ट यह नीट सब्सक्रिप्शन हो सकता है आपके लिए राइट right? क्योंकि आपके पास अच्छे टीचर्स होंगे आपके पास रेग्यूलर पूरा सेशन होगा आपके पास प्लान होगा थ्रू आउट ईयर का कि कब कब कौन कौन सा टॉपिक करना है और कैसे कम टाइम पे सारी चीजें खत्म करनी है विथ एक्सिलस सो ऑल द एक्सेलेंट टीचर्स ऑफ वेदांत विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस प्रो सब्सक्रिप्शन तो बच्चों ये लिंक है उसका वीडियन स्लैश वाई टी प्रो डेफिनेटली गो देअर सेलेक्ट यूर ग्रेड यूर प्लान गो फॉर हायर ड्यूरेशन इट विल्प यू आउट एंड ऑल्सो दीज आर दिटेल बच्चो सो ये जीजी प्रो कूपन कोड लगाना मत भूलना इट विल फेच यूर डिस्काउंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट राइट ना ओके सो गो टू दिस लिंक जी जी प्रो एंड या एक्सप्लोर दिस कोर्स बच्चो अवर टेलीग्राम ग्रुप टी डॉट एम ई स्लैश वी नीट ऑफिशियल और अगर सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली थोड़ा प्यार दिखाओ हमें भी राइट right? तो सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन बच्चों अभी जितने लोग देख रहे हैं लाइक करके जाएंगे सब लोग ठीक है चलिए गाइस बाय बाय सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास हैव अ नाइस डे